कि हड़प्पा सभ्यता के समय का मुख्य स्थल कौन कौन था, जो मैंने हेडिंग में भी लगा के रखा था। तो ये सवाल भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। 5 मार्क्स में आए तो 5 पॉइंट लिखना है। जितना जनरली अभी का CBSE का सिस्टम है, जितना मार्क्स के आएंगे उतना पॉइंट। अभी जैसे पूछा गया 5 मार्क्स में कि हड़प्पा सभ्यता के समय के प्रमुख स्थलों का नाम लिखे और वो किस राज्य में अवस्थित है। तो अभी जैसे आपके पास देखिए नागेश्वर गुजरात में है, बालकोट पाकिस्तान चला गया, चाहुंदड़ो पाकिस्तान में, कोट दीजी पाकिस्तान है, धौलवीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान का है, वानावली हरियाणा का है, राखीगढ़ी हरियाणा का है। इन सबों को अगर आपको बताया गया कि मानचित्र में बताइए कहां पर है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ना, आपके स्टार्टिंग वाला वीडियो में भी दिखाया है फर्स्ट स्लाइड में, कि ये जो आप यहां से चले जाइए गुजरात से लेके ये जम्मू कश्मीर के ऊपर एरिया तक में, ये सारे इसी एरिया में है। ठीक है, ये सारे इसी एरिया में, इसमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा, ये सारे इसी एरिया में है। और ये एरिया जो था सिंधु घाटी का था, मतलब सिंधु नदी का एरिया था। तो ये सारे एरिया सिंधु नदी के आसपास में आए, तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी कल आया। उसके बाद ये राजस्थान का एरिया है, ये गुजरात का आपका एरिया है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा पंजाब इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर बर्मा नेपाल की तरफ चले जाएगा तो वो विदेश चला जाएगा। पाकिस्तान जो ये एरिया है आपका, पाकिस्तान के तीनों ये इस एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सिर्फ भारत का पूछा गया तो आप इस तीनों को छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जनरली अभी 20-25 नंबर का लिखना है। तो अगर आपने हर पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लिया, मानचित्र को समझ लिया, तो इसमें से कुछ भी चीज़ छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसका जो प्रमुख स्थल था, नागेश्वर, बालकोट, चाहुंदड़ो, कोटदीजी, धौलवीरा, लोथल, कालीबंगन, मनावली, राखीगढ़ी। और ये आज के लिए नहीं, कल 12 के बाद कहीं भी कोई भी सरकारी नौकरी का कंपटीशन में जाएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछना ही पूछना है कि इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के समय का है। 4 इसमें से लिख देगा, एक ही घुस, मतलब 4 कोई अलग लिखेंगे, उसमें से एक ये घुसा देगा। अगर आपको याद है तो लिखेंगे। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, मतलब जितना स्लाइड है समझिए हर किसी से 1-2 क्वेश्चन वो कंपटीशन के लिए है। और ये सारे आर्ट्स वाले कंपटीशन जो होते हैं वो टॉप लेवल के ही कंपटीशन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें तो उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अब जो आ रहा है कि उस समय की बस्तियां कैसी होती थी। आप लोग हैं ना रहन सहन बस्तियों के बारे में, तो उस समय 2 टाइप के बस्तियां बसाया जाता था। एक बड़े लोग, आज भी वही है जनरली, आप देखिए पौश इलाका, झुग्गी झोपड़ी, है ना, समझते हो दोनों वर्ड का मतलब, पौश इलाका और झुग्गी झोपड़ी न्यूज में खूब आता है। पौश इलाके में बम फूटा कि झुग्गी झोपड़ी में बम फूटा, झुग्गी झोपड़ी गरीबों का एरिया, पौश इलाका अमीरों का एरिया। सिंधु घाटी सभ्यता में भी था, ये पौश इलाका है, मतलब राजा महाराजाओं का रजवाड़ है, यानी जो बड़े लोग थे, बड़े राजा महाराजा थे, अमीर थे, प्रमुख थे, मतलब जिनका वर्चस्व चलता था समाज के ऊपर, वो बड़े एरिया में रहते थे, जिसको क्या बोला जाता था उस टाइम, दुर्ग। दुर्ग कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। अब जैसे यह संरचना बना दिया दुर्ग के ऊपर, घर कहीं और है, यहां देखिए दीवार के ऊपर बनाया, क्यों, अब आसपास में कुछ अनाउंस करना है। उस समय तो था नहीं ना व्हाट्सएप फेसबुक में डाल दो, था क्या, नहीं था। सबको डुगडुगी लेके बुलाया गया, आज महाराजा जी कुछ बोलेंगे, सब दरबार पे आ जाओ, दरबार के नीचे सब लाइन लगा के खड़ा है, यहाँ पे महाराजा जी खड़ा हुए और वहाँ से कुछ 2-4 बातें कही। तो दुर्ग में ये सब संरचना होती थी। दूसरा होता था निचला शहर, जिसको हम लोग झुग्गी झोपड़ी बोलेंगे, ये वाला देख लो कैसा दिख रहा है, पता नहीं घर है कि घर के ऊपर घर है पता ही नहीं चलता है। आज भी वही होता है, झुग्गी झोपड़ी जाओ बाइक घुसाने का जगह नहीं मिलेगा, पास इलाके जाओ बड़ी बड़ी कार घुसाने के बाद भी बड़ा सा जगह खाली पड़ा हुआ है ना, बड़ा सा घर है रहने वाले 2 हैं, झुग्गी झोपड़ी छोटा सा घर है रहने वाले 20 हैं। तो ये आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि उस समय का रहने का बस्तियां थी 2 टाइप का, एक दुर्ग था और दूसरा निचला शहर था। निचला शहर में आवासीय भवन था, दीवार, इसको भी दीवार से घेरा जाता था क्योंकि उसमें जंगली जानवर ये वो ननपन डर तो रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। बहुत ऐसे घर होते थे मान ली जो शहर के होता ना छोटे जगह में, तो कुछ अमीर लोग होते हैं उनका घर है, तो एक चबूतरा बनाया बड़ा सा, उसके ऊपर घर बनाया और चारों तरफ में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लिंथ, अब नहीं होता है, अब घर में जमीन कम है, जनरली हम लोग पहले भी गांव के घर में हुआ करता था, घर के चारों तरफ प्लिंथ जिस पे बैठा करते थे, बच्चे लोग खेला करते थे। तो ये उस समय का भी स्ट्रक्चर था। तो यहां तक है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां और बस्ती कितने, आपको पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कैसी थी, कितने भागों में विभाजित थी, दुर्ग किसको बोलते थे। तो आपने ये 2 लाइन लिख दिया, आपका ऐसा नहीं कि पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और जितने सारे शब्द हैं सब समझिए आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है।
अब आपको ये फोटो दिख गया, जैसे वो है ना रणछोड़ दास चांचड़, इसको तो अभी तक नहीं भूला है क्योंकि दो बार मूवी देखा था, तो ये वाला फोटो देख लिया तो भूलेगा भी नहीं कि राजा महाराजा का महल जैसा होता है, यहाँ खड़ा होकर वो दुर्ग रहता है, उस पर बैठ के काया हल्ला करते हैं, मतलब बताते हैं गरीब लोग का घर ऐसा है झुग्गी झोपड़ी वाला। तो अगर आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे तो हिस्ट्री मेरे नज़र में सबसे 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साइंस कॉमर्स सबसे ऊपर उठ के। आप लोगों को भी धन्यवाद।